योर नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को समझने से पहले हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज वी नो दैट वी आर हैविंग अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड डिजायर्स आप कह सकते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, दीज आर अनलिमिटेड, ठीक है। बट टू सेटिस्फाई दीज वांट्स वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेस एंड ऑल द डिमांड्स, ऑल द वांट्स, ऑल द नीड्स कैन नॉट बी सेटिस्फाई एट वन टाइम बाय यूजिंग दीज रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज को अगर आप अपनी इनकम माने और वांट्स को अपनी डिजायर्स माने, तो सारे डिजायर्स हमारी पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास स्पेंड करने के लिए उतना इनफ रिसोर्सेस नहीं है, उतना मनी हमारे पास नहीं है कि हम अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो इनके बीच में लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। वांट्स को हम एंड्स भी कह सकते हैं, अनलिमिटेड एंड्स और लिमिटेड रिसोर्सेस, इनके बीच में हमें क्या करना पड़ता है? चॉइस मेकिंग। क्योंकि यहाँ पे ये अनलिमिटेड हैं और ये लिमिटेड हैं, तो हमें चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है कि कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। हम अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। तो दैट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मींस, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगी? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वांट्स हमारे अनलिमिटेड हैं, तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें चॉइस करनी पड़ेगी, बीच में चूज करना पड़ेगा। तो द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती हैं, तो उसका आंसर आपको मिल चुका है कि वाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज। तो वाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज, Why do economic problem arises? तो क्यों अराइज होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? पहला इसका आंसर है बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। सेकेंड, मीन्स या रिसोर्सेस आप कहेंगे, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ठीक है। थर्ड, जो रिसोर्सेस हैं, वन रिसोर्स कैन बी यूज फॉर द सेवरल पर्पस टू सेटिस्फाई सेवरल वांट्स, तो इसलिए हमें वहां क्या करना पड़ता है? प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। तो यहां पे थर्ड क्या आ जाएगा? जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैव alternative uses, तो alternative use होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? हमें priority decide करनी पड़ती है कि इसका best use हम कैसे कर सकते हैं ताकि हमें maximum advantage मिले। तो economic problem arise होने का there are three major reasons. First one, our wants are unlimited, resources are limited and resources have alternative यूजेज। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब अराइज होती है तो किस तरीके से पूरी इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो अगर हम इकोनॉमी के लेवल पर देखें, किसी भी इकोनॉमी में कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस, तो हमारे पास यहाँ पर तीन प्रॉब्लम अराइज होती हैं। पहला है, इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस,
सेकेंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें कौन सा डिसीजन लेना होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस में फर्स्ट हमें डिसाइड करना होता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, हमें बनाने क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है। तो इसमें कई सारे गुड्स के टाइप्स हैं, अगर आप एक बेसिस देखें तो इनके एंड यूज के बेसिस पे, एंड यूज के बेसिस पे हो गया आपका कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। एक क्लासिफिकेशन कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स हो गया, एक क्लासिफिकेशन आपका ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स का हो गया, ठीक है। अनदर क्लासिफिकेशन आप देखना चाहते हैं तो एक और क्लासिफिकेशन हो जाता है आपका वॉर टाइम गुड्स एंड पीस टाइम गुड्स। तो इन सारे जो हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, इनमें से हमें चूज करना होता है कि हम कैपिटल गुड्स बनाएं या कंज्यूमर गुड्स, या फिर इनके कौन से कॉम्बिनेशन को हम प्रोड्यूस करें। ये डिसीजन होता है पहला डिसीजन, ठीक है। नाउ इसके बाद व्हाट टू प्रोड्यूस में एक और डिसीजन इन्वॉल्व होता है, वो डिसीजन है आपका हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दीज गुड्स, जो भी हमने डिसीजन लिया टाइप्स के बारे में, उन गुड्स की कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है। तो दीज टू मेजर डिसीजंस आर टेकन अंडर द व्हाट टू प्रोड्यूस सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके बाद हमारे जो सेकेंड सेंटर प्रॉब्लम आती है, सेकेंड सेंटर प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, नाउ सेकेंड सेंटर प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। जो फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम है, हमने डिसीजन ले लिया अबाउट द गुड्स, अबाउट द टाइप्स, अबाउट देयर कॉम्बिनेशन एंड अबाउट द क्वांटिटी, ये डिसीजन हमने ले लिया। अब हमारे पास डिसीजन है कैसे उन गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। तो दैट इन द सेकेंड सेंटर प्रॉब्लम आर डिसीजन इज रिलेटेड और कंसर्न टू द प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर डिसीजन होना है कि कौन सी टेक्निक्स को यूज किया जाए, जो हमने डिसाइड किया कि इन गुड्स को प्रोड्यूस करना है। तो टेक्निक्स के बारे में अगर डिसीजन लेना है, तो टेक्निक्स के बारे में डिसीजन लेने के लिए हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ टेक्निक्स। पहला लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव में क्या डिफरेंस है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के नेम से ही क्लियर है, इन दिस टेक्निक मोर लेबर इज यूज, लेबर मोर एंड कैपिटल लेस। यहाँ पर शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप इसको इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, द टेक्निक इन विच मोर लेबर इज यूज देन द कैपिटल, ठीक है। तो लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड मोर अमाउंट ऑफ लेबर इज यूज इन द लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड दिस टेक्निक इज बेनिफिशियल फॉर दोज कंट्रीज वेयर लेबर इज चीपली अवेलेबल इन द इकोनॉमी,
ठीक है, जैसे इंडिया है, चाइना है, ठीक है, यहाँ पे लेबर सस्ता है, जो स्किल्ड लेबर है, तो इन कंट्रीज़ के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा बेनिफिशियल है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? सेम, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मोर लेबर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस लेबर एंड मोर कैपिटल। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज द टेक्निक इन विच मोर कैपिटल इज यूज देन द लेबर। ज़्यादा कैपिटल यूज होगा, लेबर कम यूज होगा, तो वो टेक्निक होगी कैपिटल इंटेंसिव। एंड दिस टेक्निक इज बेनिफिशियल फॉर दोज कंट्रीज वेयर कैपिटल इज चीपली अवेलेबल। ठीक है, तो इसमें हमारे डिसीजन हो गया कि कौन सी टेक्निक को हमें ऑप्ट करना है, कौन सी टेक्निक को चूज करना है। तो वो जो जिस कोई भी इकोनॉमी इसमें चूज करेगी जो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। जहाँ कैपिटल चीप है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, यूएस है, ठीक है, वहाँ पे कैपिटल चीप है तो वो कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल का मतलब इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें तो कैपिटल मींस मशीनरी होता है जनरली, नॉट द मनी। ठीक है, तो मशीन और प्लांट, बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े मशीन है, वहाँ के लिए बेनिफिशियल हैं जहाँ पे कैपिटल सस्ती है और लेबर महंगा। और लेबर इंटेंसिव जिसमें ज़्यादा लेबर यूज़ होना है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा अच्छी। थर्ड प्रॉब्लम आती है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस में क्या है, देखो गुड्स प्रोड्यूस हो गई हैं, टेक्निक्स का डिसीजन हो गया था, और टाइप्स ऑफ गुड्स, अब मीन्स आपको गुड्स प्रोड्यूस हो गई हैं, तो गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद जो अगली प्रॉब्लम अराइज होती है, सेंटर प्रॉब्लम, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड जनरेटेड इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं तो गुड्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, किसमें, रिच पुअर, ठीक है, मिडिल क्लास, तो इन सब में हमें गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर देयर वेलफेयर। और इनकम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि जो इनकम जनरेट हुई है प्रोडक्शन प्रोसेस में वो क्या होगी आपकी, डिफरेंट फैक्टर्स में, जिसको हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर गेट वेजेस, कैपिटल गेट इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर एटलीस्ट एंटरप्रेन्योर गेट प्रॉफिट। तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, जब फंक्शन के अकॉर्डिंग जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और गुड्स को, गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें गुड्स जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रिच पुअर मिडिल क्लास, इनमें इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न विद द फॉर होम टू प्रोड्यूस सेंटर प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक आपको तीनों प्रॉब्लम क्लियर हो गई हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस।